अब मैं तुम्हारी हुई मरते दम तक। यह कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि आम आदमी के लिए नहीं है, कारण ये बहुत बड़ी तामसी देवी है। जो रुष्ट हो जाती है तो साधक का सर्वस्व हरण कर लेती है, और अगर साधक अपनी साधना से इसकी सिद्धि कर ले गया तो उसे सब कुछ प्रदान कर देती है। कर्ण पिशाचिनी का मतलब कर्ण, कान के ऊपर जब हम इशारा करते हैं तो वो हमारे कान में आकर के बोलने लगती है, और किसी भी व्यक्ति का हम भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल का हाल जान सकते हैं। ये एक ऐसे इंसान की सच्ची दास्तान है जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। सिकंदराबाद का मूल निवासी सुधीर शुक्ला उत्तरीय रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी करता था। ये बात करीब 8 साल पहले की है। सुधीर शुक्ला अपनी सीधी सादी जिंदगी से खुश नहीं था, जबकि उसकी पत्नी काव्य को ज्यादा का लालच नहीं था और घर की सुख शांति की प्रार्थना करती रहती थी। बस माता, अपनी कृपा दृष्टि मेरे इस परिवार पर हमेशा बनाए रखना। जय मां काली। क्या फायदा है सब पूजा पाठ का? कोई मतलब तो है नहीं सब चीजों का। जो भी है, जितना भी है, बहुत है हम चारों के लिए। पापा, मेरे लिए चॉकलेट लाना और मुझे पिज्जा खाना है। सुना तुमने, चॉकलेट पिज्जा? मामूली रेलवे की नौकरी में सब कहां से लेके आऊं? पापा जितना भी लाए उसमें खुश रहना। ओके मम्मा। ओके मम्मा। आ जाओ। देख क्या रहे हो, टिकट है या नहीं? नहीं है तो उतरो। नहीं है। क्या करेगा तू? ये आगे तक जाना है, जाने नहीं देगा मुझे? हाँ? जाने देगा ना मुझे?
गया हूं अपनी जिंदगी से। ये भी कोई जिंदगी? रोज वही ट्रेन में आना, टिकट चेक करना, यहां से वहां, वहां से यहां। जिंदगी में कोई मजा ही नहीं। मजा करेगा? बोल, करवाता हूं। तूने मेरी यात्रा करवाई, चल मैं तेरे लिए एक यात्रा करवाता हूं। फिर जो तू चाहेगा वही होगा। बोल, है हिम्मत? हिम्मत तो बहुत है बाबा, लेकिन आप मेरे लिए क्या करो? अघोरी को नंग धड़ंग मत समझ, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। सिद्धि दूंगा तुझे, दक्षिण की गोदाम में रहता हूं, घटते चांद की सातवीं रात में आ जाना, 12 बजे आना। ऐसी साधना करूंगा तेरे लिए कि सोने चांदी में खेलेगा तू, आ जाना। बड़े बड़े सपने देखने वाला छोटा सा टिकट कलेक्टर सुधीर शुक्ला अघोरी की बातों से लालच में आ गया और ठीक समय पर उस गोदाम पर पहुंच गया जहां अघोरी ने अपना डेरा जमाया हुआ था। उसने अपनी साधना की शुरुआत कर दी थी। कर, आज मैं साधना करूंगा कर्ण प्रसाचनी की, वो यहां आएगी और तेरी होकर रहेगी। वो तुझे सब कुछ देगी, सब कुछ, तेरे कान में सारे राज बताएगी, लोगों के क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा, सब जानती है वो, काल ज्ञाता है वो, काल ज्ञाता। उससे मिलेंगे तुझे लोगों के राज, और वो राज तू लोगों को बताकर करोड़पति बन जाएगा। स्त्रियों की अस्थियों से बना, इससे तेरा मिलन होगा कर्ण प्रसाचनी से। बच्चा, अब जब मैं मंत्र बोलूं उसे तू दोहराना।
अच्छा रुको, पहले तीन वचन, फिर मैं बनूंगी तुम्हारी सदा के लिए। अगर कोई भी वचन तोड़ा तो सब छीन जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी, सारी दौलत चली जाएगी, यहां तक कि तुम्हारी जान भी चली जा सकती है, सब कुछ चला जाएगा। मैं वचन देता हूं। पहला वचन, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं वचन देता हूं। दूसरा वचन, पत्नी की तरह सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, वो भी जब भी मैं चाहूं। मैं वचन देता हूं। तीसरा वचन, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं वचन देता हूं। अब मैं तुम्हारी हुई। मरते दम तक। तेरी हुई। अब तू ही उसे देख पाएगा, तू ही उसे सुन पाएगा। कर्म साक्षी तेरी हुई। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, लेकिन तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता, इसलिए परेशान मत हो। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मुझे फायदा कैसे हो। बहुत जल्द पता चल जाएगा। चले not going to be easy, but now it's up to them to make a difference. Oh! Well, इसे हार रहा है इंडिया। अबे इंडिया के साथ साथ मैं भी हार रहा हूं। इंडिया नहीं हारेगी, इंडिया जीतेगी। अगर लाखों कमाना चाहते हो जितना है उतना लगा दो, लेकिन आधा मेरा, फिर मैं बताऊंगा कि आखिरी ओवर में क्या हो। बोलो मंजूर है? चल मंजूर है। लगाओ फोन। लगाता यार भूपेन, चल मेरे तरफ से 10,000 रुपया लगा दे इंडिया पर। हाँ ओके। दो ही ऑन स्ट्राइक नाउ। इज गॉन, इज गॉन। Effortless. He's gone the distance.
अरे इंडिया जीत गई यार, इंडिया जीत गई। क्या सुधीर तुम तो जीनियस हो यार, वाकई तुम जीनियस हो। काव्या, काव्या, काव्या कहाँ हो? हाँ ये लो रख लो। इतने सारे रुपए? 35,000। इतने सारे रुपए आए कहां से तुम्हारे पास? ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत आएंगे। इतने आएंगे कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। संभाल के रख दो इसे। उधर क्या देख रहे हो? हाँ नहीं कुछ नहीं। तुमने बताया नहीं ये पैसे? कहा ना मेरे हैं, चोरी नहीं किए। तुम सिर्फ आम खाने से मतलब रखो। मैं सोने जा रहा हूं। लेकिन सुधीर, आज से तुम बच्चों के साथ सो, कोई सवाल मत पूछना बस। लेकिन सुधीर, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत आए। इतने आएंगे कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। संभाल के रख दो इसे। चोरी नहीं की, तुम सिर्फ आम खाने से मतलब रखो। आज से तुम बच्चों के साथ सो, कोई सवाल मत पूछना। शॉक लगा, मैं सच्चाई जानती ही नहीं थी। सुबह सुधीर से पूछा भी तो वो कहने लगे कि वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। अगले दिन उन्होंने मेरी पूजा भी बंद करवा दी, घर से मंदिर भी हटवा दिया। मैंने बहुत बोला उनको मगर वो सुने ही नहीं। कुछ दिन में घर में बहुत लोग आने लगे जो सुधीर से भविष्यवाणी करवाते, जैसे क्या हुआ था, क्या होने वाला है वगैरह। और इसके बदले वो सुधीर को बहुत सारे पैसे देने लगे। जो सवाल पूछना है पूछ लो, पैसे तब लूंगा जब मेरी बात से तुम्हें फायदा होगा। उसके बाद में जो मन चाहेगा वो दे देना। बाबा, मेरा नाम नरेश है, मुझे अपनी पत्नी हिमानी पे शक है। मुझे लगता है कि इसका किसी आदमी के साथ चक्कर है। समझ गया।
तुम भी तो अपनी सेक्रेटरी दीप्ति से रिश्ता बनाए हुए हो। लेकिन बाबा ये आपको कैसे पता? मैं ही नहीं, ये बात तुम्हारी पत्नी भी जानती है, इसीलिए वो ये सब कर रही। पर घबराओ मत, करने दो, इससे तुम्हें फायदा होगा, क्योंकि वो आदमी मरने वाला है। मरने वाला? और अपनी सारी जायदाद तुम्हारी पत्नी के नाम कर जाएगा। बाबा वो आदमी कौन? बाय बाय। अनुज सक्सेना की वसीयत है, इस वसीयत के मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी, मिल्स, बैंक अकाउंट अब हिमानी जी के नाम। ये लीजिए। बाबा अगर आपने नहीं कहा होता तो आज मैं करोड़पति नहीं होता। ये 5 लाख मेरी तरफ से। कुछ ही महीने में सुधीर शुक्ला का नाम दूर दूर तक फैल गया। सैकड़ों लोग अपना भविष्य जानने उसके पास आने लगे। सुधीर ने बहुत सारी दौलत कमाई, एक बहुत बड़ा घर ले लिया जिसमें सब कुछ था। कई नौकर और उसके भक्त लोग सुधीर की सेवा में लगे रहते थे। अब वो टिकट कलेक्टर नहीं था, वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और उसकी वजह से उस पर बुरा असर भी पड़ रहा था। हुआ है तुम्हें? कितनी शराब पीने लगे हो तुम? ए, तेरे बाप के पैसे की पीता हूं क्या? सुधीर ए, चुप, 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 कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? एकदम चुप। क्यों नहीं बोलो? पत्नी हो तुम्हारी, तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है ना मेरी? मुझे अपने साथ सोने नहीं देती, बच्चों के साथ सोती हूँ, क्यों आखिर सुधीर? मेरी मर्जी में जो चाहे करो। क्या देख, देख कितना पैसा मेरे पास, किसी को भी खरीद सकता हूं मैं, किसी को भी। सुधीर फिर क्या बात है? सुधीर क्यों दूर दूर रहते हो मुझसे? आखिर क्यों बदल गए हो तुम इतने? बोलो ना सुधीर। कान पिसाचनी एक तरह का जहर है जो कान के रास्ते पूरे शरीर में घुल जाती है और साधक को शराब, कबाब, गाली गलौज, अनेक प्रकार के दुष्ट संगतों में भर देती है, जिससे वो अपने लोगों से ही मनमुटाव कर बैठता है और जिससे वो परिवार से दूर हो जाता है।
तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए है, कोई भी नहीं ले सकता इसे। हे भगवान, इसे तो बहुत तेज बुखार है, कुछ करना पड़ेगा मुझे। सुधीर, 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 महेश की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है, चलो ना। तेरा बेटा नहीं बचेगा, तू उसे नहीं बचा सकती, वो मरने वाला है। सुधीर, महेश तुम्हारा भी बेटा है, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? तेरा बेटा नहीं बचेगा, तू उसे नहीं बचा सकती, वो मरने वाला है। सुधीर, बेटा नहीं मर सकता, ढूंढ। हेलो डॉक्टर मेहरा, मैं काव्या शुक्ला बोल रही हूँ। मेरे बेटे की रातों रात तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है, आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन उसे आप बुखार की कोई गोली दे दीजिए, पैरासिटामोल की। हाँ डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए। एक सवाल की कीमत 2 लाख रुपए। अगर 2 लाख रुपए हैं तो सवाल पूछिए, नहीं तो जाइए। 2 लाख रुपए बहुत होते हैं बाबा, मेरे पास तो सिर्फ 50,000 रुपए हैं। ये भिखारियों की सभा नहीं, 2 लाख रुपए हैं तो सवाल पूछिए, नहीं तो आप जा सकते। बाबा, आप हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? हमें क्या सपने में आया था कि आज आप अचानक हमसे 2 लाख रुपए मांगेंगे? देखिए बाबा, इतना लालच अच्छी बात नहीं। मेरे बताए हुए जवाबों से लाखों करोड़ों रुपए कमाते,
और मुझे लालची क्या? अरे भाई जाओ निकालो इन्हें, एक दिन जा रहा हूं। बाबा इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, बहुत जल्द टूटेगा आपका ये घमंड। जाओ जाओ, सबके सब सड़क पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे, बोल देता हूं मैं। तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूं मैं, अगला पिछला सब कुछ, सबकी पोल खोल दूंगा। बाबा ये 2 लाख रुपए है। बाबा मुझे पता है कि 2 दिन के बाद मुझे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, क्या आप देने वाले का नाम बता सकते हैं? क्यों नहीं, नहीं मालूम ना। जब आप 2 दिन के बाद का नहीं बता सकते तो फालतू में क्यों दावा करते हैं अगला पिछला बताने का? चलो भाइयों, ये ढोंगी है, ये कुछ नहीं जानता, चलो चलो चलो, उठो उठो चलो सब चलो। अरे मैं ढोंगी नहीं हूं, सिद्धि है मेरे पास, सिद्धि मेरे पास क्या? मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। तेरा बेटा नहीं बचेगा, तू उसे नहीं बचा सकती, वो मरने वाला है।
छोड़ के चला गया वो हम लोगों को। एक बार, बस एक बार उसे अपने गले लगा लो, शायद वो उठ जाए। मृत शरीर को हाथ लगाया तो सब छिन जाएगा तेरा। जाने दो जाने वाले को, वहां नहीं जाओगे तुम। वो बोलो जो मैं बोलूंगी। इस लाश से मेरा कोई रिश्ता नहीं। इस लाश से मेरा कोई रिश्ता नहीं। ले जाओ इसे यहां से। ले जाओ इसे यहां से। नहीं, ले जा सकते। नहीं, ले जा सकते। मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो। मुझे उसकी चिता को आग लगानी है। मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। महेश, अपना वचन भूल गए? जो मैं कहूंगी तू वही सुनेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरा बेटा मर जाएगा? तो कहीं तुमने तो नहीं मारा मेरे बेटे को? मुझे उसकी चिता को आग लगानी है। महेश, वचन पूरा करो, मुझे संतुष्ट करो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। क्या अपना वचन भूल गए? चलो अपना वचन पूरा करो। नहीं, कोई भी बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती कि सुधीर महेश के अंतिम संस्कार में नहीं आएंगे। उस दिन वो मेरी नजरों से गिर गए। मैंने उनका साथ छोड़ दिया और अपनी बहन रीना के साथ आकर रहने लगी।
उस वक्त मैं ये जानती भी नहीं थी कि सुधीर किसी ऐसे साये के बस में है जिसे मैं देख भी नहीं पा रही। मेरे आने के बाद वो बहुत अकेले हो गए, यहाँ तक कि लोगों ने भी उनके पास जाना छोड़ दिया। सुधीर भी अपने उस अकेलेपन में कहीं खो से गए। सुधीर की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। अब कोई भी उसके पास अपना भविष्य जानने नहीं आता था। उसके पास ना पैसा था, ना सेहत, और ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला। कर्ण पिशाचिनी ने उसे सबसे अलग कर दिया था और अब वो एक चलती फिरती लाश से कम नहीं था। काव्य अपनी बेटी माया के साथ अपनी बहन के घर रह रही थी। वो सुधीर के लिए दिन रात परेशान रहती थी, मगर वो भी उसकी हालत से वाकिफ नहीं थी। लेकिन एक दिन काव्य ने अपनी आंखों से उसकी हालत को देखा। सुधीर की हालत देखते ही मैं समझ गई थी कि वो गलत नहीं है, बल्कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं एक बहुत बड़े योगी बाबा के पास गई। उन्होंने मुझे बताया कि सुधीर पे किसी बुरी शक्ति का साया है। उसका तोड़ भी बताया, ये भी बताया कि इसमें मेरी और सुधीर दोनों की जान को खतरा है। लेकिन मैंने भी ये सोच लिया था कि सुधीर को उस नर्क से निकाल कर ही रहूंगी। Thank you.
काव्या वो आ गई, वो आ गई काव्या, वो मुझे बचा लो। चलो सुबह यहाँ से। नहीं, बाहर नहीं जा सकते। वो मुझे नहीं, बाहर नहीं। तुम कुछ मत कहो, मैं सब जानती हूँ। सुनो। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषण भद्रम मृत्योर्मोक्षम नमामि। सुधीर, क्या हुआ तुम्हें? सुधीर, वो नहीं दिखेगी पर वो वही होगी, तुम्हारे पति पर अत्याचार करेगी ताकि तुम वहां से चली जाओ, पर तुम जाना नहीं, वही रहना। मेरी बताई हुई 3 बातों में से पहली चीज करना, भगवान नरसिम्हा के प्रतिमा की स्थापना। फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसे बोलो यहां से जाने को। वरना मैं तुम्हें पागल कर दूंगी। तेरी पत्नी भी नहीं। सुधीर, तुम्हें कहां ले जा रही? नहीं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। सुधीर, काव्य बचाओ मुझे, निकालो मुझे यहां से। काव्य, निकालो मुझे यहां से। दूसरी शक्ति नरसिम्हा यंत्र का पवित्र रुद्राक्ष, उसे वो कान में लगाएगा, कर्ण पिशाचिनी को नहीं सुन पाएगा। अपने उस काम में लगाओ जिसमें वो तुम्हें सुनाई देती है। काव्या, काव्या वो मुझे सुनाई नहीं दे रही, उसकी आवाज बंद हो गई। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, तड़पा तड़पा के मारूंगी। सुधीर, सुधीर मुझे अपना हाथ दो। नहीं काव्या, वो मुझे मार डालेगी, वो यही है। तीसरी और आखिरी शक्ति है दिए की, जो नरसिम्हा पूजन में जलेगी, उसके अग्नि से भस्म होगी कर्ण पिशाचिनी। कुछ रह गया। सुधीर तुम पकड़े रहना, मैं अभी आ रही। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, तड़पा तड़पा के मारूंगी। रे कहाँ है वो? वहां उस कोने में। नरसिम्हा डबा, आया
वो खत्म हो गई। मैंने अपने बहन और जीजा जी को बुलाया और हम उनको हॉस्पिटल ले गए। उनको ठीक होने में 2 महीने लग गए, मगर उनके अंदर से वो डर नहीं गया। कई बार तो कान में रुई डालकर सोते थे कि वो कहीं फिर से सुनाई न दे, मगर अब वो ठीक हैं और भगवान नरसिंह को बहुत मानते हैं। आखिर उन्होंने ही तो उनकी जान बचाई। ये कर्ण पिशाचिनी बड़ी तामसी देवी है। ये सिद्धि आम आदमी के लिए नहीं है और आम आदमी को करना भी नहीं चाहिए। इसकी सिद्धि करने वाला हमेशा जो है परिवार से विरक्त रहता है। अगर सिद्धि में किसी प्रकार की गलती की तो उसका सर्वस्व हरण कर लेती है और अकाल मृत्यु भी उसके परिवार में होने लगती है, जिससे परिवार विध्वंस हो जाता है। इसलिए साधक जो हो, साधना करने वाला वो तांत्रिक हो और अघोरी हो, वही कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर सकता है। परिवार में रह करके इसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। ये हम सभी के अघोरियों के लिए ही इसकी सिद्धि योग्य है, अन्यथा आप लोग अब परिवार में रह करके इसकी सिद्धि के लिए प्रयास ना करें।